7,000 पदों पर शिक्षक भर्ती, योगी सरकार अब एक्शन में, पेट फॉर्म फिर से आपको भरना है, टीजीटी पीजीटी संबंधित बेहतरीन की खबरों के साथ दोपहर के वीडियो में आपके बीच में हाजिर हूं। तो फटाफट जुड़ जाएंगे सभी साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शेयर करेंगे और भी साथियों तक, और भी साथियों को जोड़ेंगे। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, ताकि हम आपको हमेशा अपडेट जो है यहाँ पे अवेलेबल कराते रहे और आपको जानकारियां देते रहे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है आज की खास अपडेट। अगर हम आपको भर्ती संबंधित बात करें तो टीजीटी और पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त 7,000 पदों पर हो भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की प्रयागराज में हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। रिक्त पदों के न भरने से शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ रही है। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड को अधिचयन भेजा गया है, इसके बावजूद भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। बालसन चौराहा स्थित पार्क में हुई बैठक में संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता यानी पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रधानाचार्य के करीब 7,000 पद जो है वो रिक्त है। प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों में कुछ न कुछ शिक्षकों के पद रिक्त है। भर्ती न होने से शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कहा कि चयन बोर्ड के सभी 10 सदस्य के पद भी रिक्त हैं, उसे भरा जाए जिससे चयन बोर्ड में नई नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि भर्ती न होने से हजारों प्रशिक्षित स्नातक बेरोजगार हैं। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश कुमार पासी ने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। बैठक में जिलाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, जिला मंत्री देवराज सिंह, सुधीर कुमार गुप्ता, सुधाकर ज्ञानार्थी, दिनेश कुमार यादव, शोभा मिश्रा, वंदना दीक्षित, दिवा सिंह, शैलेंद्र कुमार सरोज आदि सभी साथी जो है वहां मौजूद रहे। चलिए दूसरी तरफ इधर आप यूपीएसएससी पेट परीक्षा 18 सितंबर को हजारों पदों के लिए भी भर सकेंगे आवेदन। मात्र 90 दिनों के प्रयास में मिलेगी सरकारी नौकरी। कटाप पार करने के लिए शुरू करें तैयारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आवेदन प्रक्रिया का ऐलान जल्द ही हो सकता है। आयोग द्वारा पात्रता परीक्षा की तिथि तय की जा चुकी है। आयोग के अनुसार वर्ष 2022 में 18 सितंबर रविवार को पेट जो है वो कराया जाएगा। यह पात्रता परीक्षा आयोग की ग्रुप सी भर्तियों में शामिल होने वाले के लिए अनिवार्य है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ, अनुदेशक, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पास करना होगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी की शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, ताकि आयोग की आगामी भर्तियां में शामिल हो सके। इसके बाद अगर हम आपसे बताएं जो पीईटी की तैयारी के जो टूल्स हैं वो है 300 घंटे ये मान लीजिए प्रचार है, माफ करिएगा, सॉरी। तो कुल मिला जुला के ये रहा, इससे आगे चलते हैं। चलिए इधर योगी सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन में, हर मुद्दे पर करेंगे चर्चा और देंगे सभी के जवाब योगी जी। और बैठक जो है ये बड़ी सर्वदलीय बैठक होगी, जहां पे सभी लोग जो है अपनी समस्याओं का निदान। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 25 करोड़ आबादी, इसके साथ साथ उन्होंने आदेशित किया कि 25 करोड़ आबादी के भाग्य को बदलने में योगदान दे योगी, ठीक है। और इसके बाद महंगाई से लड़ने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी सरकार। और इस साल नई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही जो है जो सिरदर्द है महंगाई की, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये पैसा खर्च करने जा रही है सरकार की। 2,00,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की तैयारी है। सेना की भर्ती को लेकर के बड़ी बुरी खबर है, वो ये है कि 4 साल के लिए होगी सेना में टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती। अब ये देखना है कि टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती क्या होती, आते हैं बताएंगे। इस महीने योजना का होगा ऐलान। तीनों सेनाओं में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी भर्तियां। चयन प्रक्रिया अभी पहले जैसी बाद में ऐसी होगी कि लिखित परीक्षा पहले ली जाएगी, सिलेक्शन बोर्ड तय करेगी कौन होगा परमानेंट। और यहां से आपको हम बता दें इसके बारे में कि कैसे करेंगे इसको। 4 साल के लिए आपको एज अ संविदा जैसे नहीं होता, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद अगर आप बेहतर रहेंगे तो आपको परमानेंट जो है वो करने की जिम्मेदारी होगी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश के तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सभी भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस महीने इसका ऐलान की तैयारी है तय किया जा रहा है। टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और बाद में यह तय किया जाएगा इनमें से कितने को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा, जो सैनिक
की काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। जिस तरह ऑफिसर रैंक की काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। 60 सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से करीब 25-30% को ही जो है वो किया जाएगा और 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग करेंगी और इसके बाद जो है यंग हो जाएगी सेना कुल मिला जुला के। नौजवानों को जो है मौका देने का इरादा है, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि 4 साल संविदा इसके बाद परमानेंट की स्थिति जो है, ये थोड़ा सा युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। बाकी तो यही अपडेट है जो हमने आप तक पहुंचाई है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ और शिक्षा जगत की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।